और स्पेस जहां पर लोगों ने भरपूर तेजी की है आज, वो है सीमेंट कंपनियां। और यहां पर आप एसीसी अंबुजा अल्ट्राटेक के अलावा देखेंगे जो छोटी कंपनियां हैं वहां पर ज्यादा एक्शन आता हुआ दिखाई दिया। मिसाल के तौर पर विसाका इंडस्ट्रीज 5% ऊपर, इनफैक्ट पिछले आधे घंटे में ये स्टॉक तेजी दिखा रहा है, 2.5% की बढ़त देखने को मिली है। मंगलम सीमेंट जैसी कंपनियां हैं, प्रिज्म है, लिस्ट लंबी है, लेकिन चार्ट्स के आधार पर बताइए जिस तरह का मूव अब विसाखा में आया है किरण, क्या आपको लगता है ये एक स्टेबल परफॉर्मर रहेगा आगे और तेजी आ सकती है इसमें? हर्षदा जी, विसाका इंडस्ट्रीज पहले से ही बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न में बैठ रहा था, तो मुझे लगता है कि विसाका आउट परफॉर्मर ही रहेगा। जहां पे बाकी के सीमेंट कंपनीज में थोड़ी करेक्शन देखने को मिली थी, इसने करेक्शन थोड़ी भी नहीं दी, बल्कि कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है। आज का लेवल ऑल टाइम हाई के ऊपर, ऑल टाइम हाई कब से हर एक मिनट पे लगा रहा है, और इस तरह से अभी के लिए अगर कोई खरीदता है तो 276 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। टारगेट करीबन 300 के अगले दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाने चाहिए। वैसे अगर प्रिज्म सीमेंट की बात करें तो प्रिज्म सीमेंट में भी ऐसे ही कुछ रुझान देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले डेढ़ महीने का एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट आज देखने को मिल रहा है, हालांकि आज फॉलोअप बाइंग इसमें स्टॉक में देखने को नहीं मिला, तो फिर भी ये एक अच्छा कंटेंडर रहेगा। इसका टारगेट करीबन 115 का रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है। अगर इस ट्रेड के लिए इनिशिएट करना है तो स्टॉप लॉस 98 का रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा।